स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं नासिक मुंबई हाईवे पर, जहां पर किसान 12 मार्च को नासिक से निकले थे एक किसान लॉन्ग मार्च। जैसा कि आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले जिस तरह किसान लॉन्ग मार्च हुआ था, जिसमें सरकार ने उनसे कई वादे किए थे, लेकिन जिसमें सब तक कुछ वादे भी पूरे नहीं हुए, जिसको लेकर किसान एक बार दोबारा सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत। उन्होंने कहना है अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो मुंबई में चक्का जाम भी करेंगे। अभी किसानों से सरकार की वार्ता जारी है, जिसमें से सरकार ने उनकी एक बड़ी मांग, जो प्याज के किसान है इनको भारी नुकसान हो रहा है, उनके मुआवजे की किसानों की मांग थी, जिसमें सरकार ने 300 रुपए प्रति क्विंटल मुआवजे देने को तैयार हो गई है। लेकिन अभी भी किसान 600 रुपए प्रति क्विंटल मुआवजे की मांग करने से सरकार ने अपनी हामी नहीं भरी है। और किसानों का कहना है जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी और जब तक उनके मांगों को पूरा करने का लिखित वादा नहीं हो, तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। अभी के लिए बस इतना है। इस किसान लोगों से मार्च से जो भी अपडेट होगा न्यूज़ के लिए आपको 30 बजे के आता रहेगा। धन्यवाद।